रोड मैन ऑफ इंडिया और भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की कहानी सिर्फ एक मिनट में सुनाते हैं। जन्म 27 मई 1957, जन्म स्थान नागपुर महाराष्ट्र। मैं 17 साल की उम्र में ही नितिन गडकरी जी एबीवीपी से जुड़ गए थे और इसके 2 साल बाद बीजेपी से जुड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसी बीच साल 1982 में उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB की शिक्षा पूरी की थी, यानी डिग्री से वो एक वकील है। और साल 1995 में उन्हें महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाया गया था। इसके बाद उनकी कार्य क्षमता और पार्टी के लिए मेहनत को देख के साल 2009 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। फिर साल 2014 में उन्होंने बीजेपी की सीट से महाराष्ट्र लोकसभा से चुनाव लड़ा और उसमें बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2014 से 2019 और 2019 से अब तक नितिन गडकरी जी भारत के सड़क परिवहन मंत्री का पद संभाल रहे हैं। जहां मोदी सरकार आने से पहले तक भारत में हर रोज 3 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाता था, वहीं गडकरी जी के परिवहन मंत्री बनने के बाद ये बढ़कर 40 किलोमीटर पर डे हो चुका है। और जब से वो रोड परिवहन मंत्री बने हैं, देश का विकसित रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कार्यक्षमता की गवाही देता है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा, डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस लोकसभा चुनाव में कोई पोस्टर नहीं लगाऊंगा, कोई बैनर नहीं लगाऊंगा और ना ही चाय पानी पिलाऊंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो ही आप मुझे वोट दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो वही दिखा सकता है जिसने एक्चुअल में काम किया। आपका नितिन गडकरी जी के इस कॉन्फिडेंस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या अगली बार भी आप नितिन गडकरी जी को परिवहन मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो।